हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डीआरडीओ में आए वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं डीआरडीओ में आए वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि डीआरडीओ ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें इसने दो लेवल पर अप्रेंटिस वर्क निकाला हुआ है। एक है आपका ग्रेजुएट लेवल पर और एक है डिप्लोमा लेवल पे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उसके डिटेल्स क्या क्या है। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कैटेगरी रखा गया है यहाँ पर, और ये जो कैटेगरी है अगर आप देखें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे तो बीटेक होना चाहिए आपका, कौन से ब्रांच में होना चाहिए तो यहाँ पर इन्होंने पूरा बताया गया, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो ये ब्रांच है उसमें होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी यहाँ पर ब्रांच दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो सिविल इंजीनियरिंग या फिर एयर स्पेस इंजीनियरिंग यहाँ पर भी ये दिया गया है। और इसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन में बीकॉम बीबीए के भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। और इसके बाद जो दूसरा जो कैटेगरी है वो है आपका टेक्नीशियन, यानी डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, और डिप्लोमा इन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सारे डिसिप्लिन और ब्रांच यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल और सिनेमेटोग्राफी, ये सारे आपको यहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन में वैकेंसीज दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसके लिए रखा गया मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम है 27 इयर्स। लेकिन जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब बात करते हैं कि इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑफलाइन मोड है। इसका मतलब आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसे फिल करके इसके दिए गए पते पर आपको इसे सेंड करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो सिलेक्शन होने का जो प्रोसेस है उसे समझ लीजिए पहले, कि आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन यहां पर होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे ही सेलेक्ट होंगे तो जो आपको स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा इसके लिए, और ये स्टाइफंड होगा अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको 9000 रुपीज पर मंथ आपको प्रोवाइड होगा। और यदि आप टेक्नीशियन पे यानी कि डिप्लोमा पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 8000 रुपए पर मंथ का स्टाइफंड प्रोवाइड होगा। तो आपके पास बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मौका है, डीआरडीओ जैसे संस्था में जाकर आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलने वाला है, जिससे आपको एक कैरियर में एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, इसे मिस मत कीजिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसे जरूर अप्लाई कीजिए, और साथ ही साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम फिर सेम लोगो। थैंक यू।